अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। इन दिनों युवाओं में असमंजस, जिंदगी की शिकायतों के चलते इतना बढ़ गया है कि आए दिन अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। ये असमंजस, ये जिंदगी की शिकायत, ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि युवाओं को होश ही नहीं रहता कि आखिर वो कर क्या रहे। अमरनाथ की पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के आधार पर दो भाइयों के बीच किसी मामले को लेकर कहा सुनी हुई। बड़े भाई ने जब छोटे भाई को उसकी बुरी आदतों के चलते टोका, तो छोटे भाई ने अपने हाथ में आया स्क्रू ड्राइवर भाई के पेट में, भाई की गर्दन पर फूंका, और इसी के चलते बड़े भाई की मौत भी हो गई। इसी मामले पर पुलिस अधिकारी क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। अमरनाथ पुलिस स्टेशन अधिमध्ये काल स्वामीनगर मध्ये दोन भाऊ आहेत, सख्खे भाऊ आहेत। त्यामध्ये लहान भाऊ जो होता वीरेन हरिजन म्हणून, यांना त्याचा दुसरा जो भाऊ आहे गणेश, याच्या दोघांचं पूर्वी एक दोन तीन दिवसापूर्वी क्षुल्लक कारणावरून एक वाद झाला होता आणि भांडण झालं होतं। त्याच्यावरून काल ते दोघे घरी असताना साधारण रात्री 11:30 सुमारास मोठ्या भावानं त्याला मारलं। त्याचा राग धरून आरोपी वीरेन महाजननं त्याच्या भावाला, तिथे स्क्रूड्रायव्हर होता त्याच्या हातामध्ये, त्या स्क्रूड्रायव्हरनं त्याच्या गळ्यावर आणि छातीवर वार केले। तात्काळ त्याला सेंट्रल हॉस्पिटल येथे लावाउपचार करता दाखल करण्यात आलं, परंतु पहाटे 3 त्याचा तो मयत झाला। त्याबाबत अंबरनाथ पोलीस स्टेशनला CR 3:18 IPC 302 अंतर्गत गुन्हा दाखल होता। तत्काळ आम्हाला गुन्ह्याची माहिती मिळाली, गुन्हे शाखा उल्हासनगर, आमचे अधिकारी आणि कर्मचारी, आम्ही 2 तयार केल्या। आरोपीबाबतची माहिती आम्हाला मिळाली आणि अंबरनाथ रेल्वे स्टेशन, कल्याण रेल्वे स्टेशन, तसेच इतर परिसरात आरोपीचा शोध घेता आम्हाला परत एक गुप्त बातमी मिळाली की आरोपी हा ऑर्डनन्स फॅक्टरी अंबरनाथला, या ठिकाणी तो जंगलात लपून बसला आहे। आणि ही माहिती मिळाल्यावर आम्ही सर्व टीमनं जंगलात त्याचा शोध घेतला, कोम्बिंग केलं आणि त्याला आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे। आरोपीकडे विचारपूस केली, त्यानं गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे। त्याची वैद्यकीय तपासणी करून आम्ही पुढील कारवाई करता अंबरनाथ पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देत आहोत। सर, आरोपीचे काही पूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी वगैरे? आरोपी जो मयत आहे याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, रेकॉर्डचा गुन्हेगार आहे, चोरीच्या केसेस वगैरे आहे त्याच्यावर, रेकॉर्डजवळ गुन्हेगार आहे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। 23 दिसंबर 2018 के दिन रोहित वर्मा, अखिलेश वर्मा नामक दो युवकों से जब कुछ अज्ञात लोगों ने मोबाइल छीनने चाहे, लूटपाट करनी चाही, तो उन्होंने उसका विरोध किया और इसी के चलते उनके ऊपर हाथापाई भी हुई, उनको चाकू भी मारे गए। मामला जब पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ तो पुलिस स्टेशन ने छानबीन की और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इसी मामले पर पुलिस अधिकारी अधिक क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। दिनांक 23/12 रात्री 2-3 सुमारास आनंदनगर MIDC मध्ये
रोहित कुमार वर्मा आणि अखिलेश वर्मा हे दोघंही कामगार झोपलेले असताना तीन अनोळखी इसमांनी येऊन त्यांचे मोबाईल आणि त्यांचे पैसे जबरदस्तीने काढून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी या फिर्यादीन साक्षीदार यांनी त्यांना प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला असता या आरोपींनी त्यांना चाकूने मारहाण करून गंभीर जखमी केलेलं होतं. ज्यावेळी या जखमींना पोलीस स्टेशनला आणण्यात आलं त्यावेळी तात्काळ त्यांना आपण दवा उपचाराकामी हॉस्पिटलला दाखल केलं आणि त्यांच्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नंबर 317/2018 IPC 397/392/324 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. ज्यावेळी आपण तपास केला त्यावेळी आपल्याला या घटनास्थळी आणि त्याला येणारे जे रस्ते येऊन मिळतात त्या ठिकाणी CCTV फुटेज आपल्याला प्राप्त झालेलं होतं. त्या प्राप्त CCTV फुटेजवरून आणि आमचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुभाष कोकाटे यांचे काही बातमीदारांकडून आम्हाला अशी माहिती मिळाली की हा गुन्हा धनंजय उर्फ बॉडीमॅन जाधव ह्या आरोपीने केलेला आहे. हा आरोपी पोलीस रेकॉर्डवरचा असून त्याच्यावर जवळजवळ 10 ते 15 गुन्हे आहे आणि तो MCOC सारख्या गुन्ह्यात देखील वॉन्टेड होता. म्हणून आम्ही या आरोपींच्या तपासकामी म्हणजे PSI गोसावी आणि त्यांचा स्टाफ नियुक्त केला आणि त्यातून आरोपी धनंजय खंडू जाधव याला आम्ही अटक केली. याच्या अटकेतून इतर त्याच्या 2 साथीदारांची नावं निष्पन्न झाली. त्यापैकी जयेश गोकुळ सोनवणे हा धुळ्याला पळून गेलेला होता. त्या ठिकाणी आपण टीम पाठवली आणि त्या ठिकाणून त्याला आपण ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे. तर तिसरा जो आहे संजय रमेश जयस्वानी याला आमच्या गुन्हे शाखेने पकडून आमच्या ताब्यात दिलेलं होतं. येणेप्रमाणे हे तिन्ही आरोपी त्या गंभीर घटनेतले आपण अटक केलेले आहेत आणि त्यांनी चोरलेले जबरीने चोरलेले मोबाईल, त्यांनी गुन्ह्यात वापरलेली मोटरसायकल, गुन्ह्यात वापरलेला चाकू अशा सर्व चीज वस्तू आपण त्यांच्याकडून हस्तगत केलेल्या आहेत. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. मराठी भाषा के सम्मान को लेकर उल्लासनगर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने उल्लासनगर महानगर पालिका के नगर सेवकों सभी कर्मचारियों को गुलाब के फूल बांटे और गुलाब के फूल बांटकर उन्होंने ये बताया कि पत्र व्यवहार जो भी है मराठी में होना चाहिए, महासभा का जो भी व्यवहार है, जो भी संवाद है वो मराठी में होना चाहिए. इसी के चलते आयुक्त को भी गुलाब का फूल दिया गया ताकि वो अपनी देखरेख में इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी पत्र व्यवहार, कोई भी संवाद मराठी में हो. बता दें कि उल्लासनगर की महापौर ने भी इस बात को मान लिया और मराठी सीखने की ठान ली है और उन्होंने भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों के साथ संवाद मराठी में किया. आइए उल्लासनगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी इस बारे में क्या बता रहे हैं देखते हैं. 20 तारखेच्या महासभेमध्ये मराठी भाषेबद्दल काही अपशब्द काढले गेले होते आणि त्याचा आम्ही जाहीर निषेध केला होता आणि आमची मागणी होती की महापौरांनी माफी मागावी आणि सगळ्यात प्रथम आमची अशी मागणी होती की त्यांनी मराठी भाषा शिकावी आणि सभागृहाचं कामकाज मराठीमध्ये चालवावं. त्या अनुषंगाने आम्ही कालच्या महासभेमध्ये गुलाबाची फुलं वाटून सर्व नगरसेवकांना विनंती केली की बाबांनो सभागृहाचं कामकाज राजभाषेत म्हणजे मराठी भाषेत चालवा आणि मराठी भाषेचा सन्मान करा. तसंच आम्ही आयुक्तांना एक गुलाबाचं फूल दिलं आणि आयुक्तांना सांगितलं की साहेब तुम्हीसुद्धा सभागृह चालवत असताना दुसऱ्या भाषेचा उपयोग न करता संपूर्ण सभागृह मराठी भाषेत दत चालवावं. त्यांनीही आमची विनंती मान्य केली आणि महापौरांनीसुद्धा काल आमच्याशी मराठी भाषेत संवाद साधून मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. कालच सन्मान्य आमचे शहराध्यक्ष बंडू देशमुख साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली जे फुलगुच्छ देऊन मराठीचा वापर त्या सभागृहामध्ये करण्यात यावा यासाठी काल शिष्टमंडळ माननीय महापौर माननीय सभागृह नेते सर्वांना त्यांनी फूल देऊन एक मराठी भाषा अंमलात यावी पुन्हा तर त्यासाठी प्रयत्न केला आणि त्या अनुषंगाने आपले माननीय महापौरांनी पंचभूमिकालांनी त्यांनी खास मराठीतून उद्गार तिथे काढले आणि मराठीतून बाबा मी मराठी शिकते किंवा मी मराठीमध्ये यापुढे कामकाज करेल तर ते एक चांगली बाब या घटनेतून घडली आहे आणि आम्हाला पण त्या गोष्टीचा एक अभिमान आहे
की महापौरांनी कबूल केलं की बाबा मला मराठी शिकायची गरज आहे आणि मराठी ही आपली म्हणजे महाराष्ट्रातली एक राजभाषा आहे, तर त्या हिशोबाने महापौरांचे मी अभिनंदन व्यक्त करतो व धन्यवाद व्यक्त करतो व यापुढे देखील मरा जे सभागृहाचं कामकाज असेल किंवा महापालिकेचं पूर्ण कामकाज असेल ते मराठीत राहावं यासाठी देखील महापौरांनी तितकंच अग्रेसिव्ह असावं यापुढे असं मी आशा व्यक्त करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि अमृत वेला ट्रस्ट के चेयरमैन भाई साहब गुरप्रीत सिंह यानी रिंकू भाई साहब का नाम लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इसी के चलते उल्लासनगरवासी बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो नज़ारे जहां ये घोषणा हो रही है कि उल्लासनगर के अमृत वेला ट्रस्ट के चेयरमैन का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है। देखते हैं। किन्ना दिता है तू रब्बा किवें जिक्र करावे हरदम हर वेले तेरा शुक्र करावे शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा ओ शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। स्थान के पवित्रता के बारे में जो कहा वो सुनकर ऐसा लगता है कि आप सब लोग मानवता का एक प्रतीक है और आज गुरप्रीत सिंह साहब को सम्मानित किया जा रहा है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के ज़रिए। ये सम्मान पूरी मानवता का है ऐसा मुझे लगता है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो चेयरमैन है दिवाकर सुकुल जी वो लंदन में रहते हैं और प्रेसिडेंट एडवोकेट संतोष शुक्ला ये इंदौर में रहते हैं और इन दो हस्तियों की मेहनत से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है और ऐसे लोगों को अपने साथ जुड़ रहा है जो विश्व की शांति के लिए एक संदेश लेके जा रहे हैं। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा। आदरणीय रिंकू वीर जी, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनका जो नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हम दर्ज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो एक अनोखा रिकॉर्ड है। लंदन से एक लेटर आया है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इंक्लूजन ऑफ भाई गुरप्रीत सिंह रिंकू वीर जी चेयरमैन ऑफ अमृत वेला ट्रस्ट इंटरनेशनल ग्रुप उल्लासनगर महाराष्ट्र इंडिया बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन फॉर ऑर्गेनाइजिंग लार्जेस्ट प्रभात फेरी एंड विशाल सत्संग समागम विथ यूनिक थीम एज साइलेंट कीर्तन। सिग्निफिकेंटली अमृत वेला ट्रस्ट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड लार्जेस्ट प्रभात फेरी ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती इन उल्लासनगर कंप्रेसिंग द स्ट्रेंथ अराउंड 2.5 लाख डिवोटीज अलॉन्ग विद इट द ट्रस्ट हैज ऑल्सो ऑर्गेनाइज 43 डेज लॉन्ग विशाल सत्संग समागम विद यूनिक थीम एज साइलेंट कीर्तन दैट हैज बीन वन ऑफ इट्स ओन काइंड इन द वर्ल्ड इन विच डिवोटीज हैव पुट हेडफोन्स टू रिड्यूस साउंड पॉल्यूशन ऑफ लाउड स्पीकर्स। अमृत वेला कीर्तन दरबार इज डिलीवर्ड बाय भाई साहब गुरप्रीत सिंह जी रिंकू वीर जी ऑन इंक्लूजन ऑफ सच रिकॉग्निशन भाई गुरप्रीत सिंह जी रिंकू वीर जी कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय लंदन एज श्री वीरेंद्र शर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंग्लैंड लॉर्ड दलजीत सिंह राणा मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स
लंदन, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल चेयरमैन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, श्री संतोष शुक्ला सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रेसिडेंट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन। थैंक यू। तो ये देखा आपने कि उल्लास नगर में अमृत वेला ट्रस्ट के चेयरमैन रिंकू भाई साहब का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज हो चुका है। हासिलात ये है कि एशिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रभात फेरी का आयोजन वो करते हैं। हासिलात ये है कि नई तकनीक, नई यूनिक टेक्निक अपनाते हुए उल्लास नगर में साइलेंट कीर्तन का आयोजन किया गया। इसी संदर्भ में गर्व की इन घड़ियों को महसूस करते हुए रिंकू भाई साहब क्या कह रहे हैं, देखते हैं। मैं तो बोलता ही रहता हूँ, दो शब्द नहीं बहुत शब्द बोलने हैं, पर सच में देखा जाए तो ठीक है, इनका बड़प्पन है जो इन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया, पर हमारा मकसद एक ही है कि गुरु नानक हमें रिकॉग्नाइज कर ले। ये संगत की वड़ियाई है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु नानक की वड़ियाई है। कहो कोई नाव ना जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वड़ियाई। इसकी वड़ियाई है, जिसको चाहे ऊपर ले जाए, जिसको चाहे नीचे ले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर भी दास तहे दिल से इनका शुक्रगुजार है कि इतनी दूर बैठकर इन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया इस चीज़ को। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहर में पानी की किल्लत होती है, विवाद होता है, महासभा में काफी विवाद के बाद जल संपदा मंत्री तक भी बात पहुंचती है। लेकिन एक और जहां इस बात का ख्याल होना चाहिए कि उल्लासनगर में पानी की किल्लत ना हो, दूसरी ओर प्रशासन को, शासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि पानी वेस्टेज ना हो। जी हाँ, उल्लासनगर में कई तस्वीरें ऐसे दिखती हैं जहाँ पानी की किल्लत के बावजूद हजारों लाखों लीटर पानी के वेस्ट हो रहे हैं, देखते हैं। एक और जिस प्रकार से शहर भर के कई इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, तो ये भी देखने को मिल रहा है कि महासभा के दौरान महासभा में पानी को लेकर काफ़ी विवाद भी देखने को मिला और पानी को लेकर जो है पानी की समस्या को लेकर महासभा को स्थगित भी किया गया, जिसके बाद शहर की महापौर और शहर के कई गणमान्य हस्तियाँ जो है वो संप्रदा मंत्री से भी मिल के आए। जिस तरीके से जो परेशानी है शहर की पानी को लेकर, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो है शहर की पानी की दिक्कतें कम की जाएगी। बहरहाल हम आपको बता दें कि तस्वीरें कुछ और है जहाँ पे लाखों लीटर पानी यूं ही जाया हो जाता है। शहर के कई इलाकों की बात करें तो फार्वर लाइन परिसर, उसके बाद सेंट्रल हॉस्पिटल परिसर, या फिर 17 सेक्शन परिसर, या फिर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 का नेताजी परिसर देखें, तो ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे लाखों लीटर पानी, शाम के समय में जब पानी आने का समय होता है तो वॉल से जो पानी छोड़ा जाता है, तो कई पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से लाखों लीटर पानी यूं ही जाया हो जाता है। और वहीं जिस प्रकार से प्रशासन का ये कहना है कि पानी की कटौती हो रही है और पानी की किल्लत है, इसके वजह से नागरिकों को हो रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जिस प्रकार से जो जिम्मेदारी है प्रशासन की, जो पानी की पाइपलाइन लीकेजेस है उसको जो है सुधार लाने की जो कोशिश नहीं की जा रही है, जिसके वजह से ये भी खामियाजा शहर के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि लगातार कई बार हमने भी आपको बताया और कई सालों पुरानी ये दिक्कत है कि शहर में पानी की किल्लत है काफ़ी है, और उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि कई जगहों पर जो पानी की पाइपलाइन लीकेज है जिसके वजह से लाखों लीटर पानी ज़ाया होता है। तो देखना यह है कि प्रशासन आने वाले समय में किस प्रकार से इसके ऊपर कार्य कर पाएगा, क्योंकि आने वाली गर्मी में जो पानी की दिक्कत है वो एक बार फिर से शहर के नागरिकों को काफी तंग करेगी। कैमरा पर्सन शोरू सिंधे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
उल्लासनगर में शासन प्रशासन की ओर से गीले कचरे सूखे कचरे के लिए अलग डस्टबिन रखे गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से ध्यान न दिए जाने पर नज़ारे कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं। इस व्यवस्था की चरमराती पूरी रूपरेखा को हमने अपने कैमरा में कैद किया है, देखते हैं। कुछ समय आपने पहले देखा होगा कि शहर भर में गीला कचरा सूखा कचरा करना अलग अलग रखने के लिए अलग अलग जो है फेंकने के लिए जो है महानगर पालिका द्वारा करोड़ रुपए खर्च करके जो है शहर भर में डस्टबिन लगाए गए थे जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा जो है वो अलग अलग करके डालना था। बहरहाल हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं कि किस प्रकार से जो कि करोड़ों रुपये डस्टबिन के ऊपर खर्च किए गए थे, अब उसकी परिस्थिति जो है ख़राब होती गई है। पहले हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से शहर भर की जगहों पर लगे लगे डस्टबिनों के जो ढक्कन हैं वो चोरी होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरीके जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं रख पा रहा है। वहीं पे तस्वीरें अब कुछ इस प्रकार से आने लगी है कि जो डस्टबिन थे उनकी हालात तो खराब है ही, साथ ही साथ अब पूरे के पूरे डस्टबिन भी जो है कई इलाकों से गायब हो चुके हैं, यानी कि चोरी हो चुके हैं। वैसे अगर बात करेंगे तो प्रशासन द्वारा जो है स्वच्छ भारत के अंतर्गत इस मुहिम को चलाया गया था, शहर भर में डस्टबिन लगाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका खुद जो करोड़ रुपए खर्च करके इस डस्टबिन को लगाया गया था उसके ऊपर देखभाल नहीं कर पाई। बहरहाल अब देखना यह होगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर भर के जो डब्बे लगाए गए हैं करोड़ रुपए खर्च करके जिसका भुगतान आम जनता अपने टैक्स से कर रही है, तो इस पर महानगर पालिका किस प्रकार की देखभाल कर पाता है। कैमरा पर्सन सोनू शिंदे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के अभय योजना के तहत अगर आप अपना पूरा बकाया टैक्स भरते हैं 15 जनवरी से 31 जनवरी तक तो आपकी पूरी पेनल्टी 100% माफ की जाएगी। इसी के चलते इस योजना की और क्या सुविधाएं और क्या सहूलियतें आप ले सकते हैं, इस संदर्भ में मीना सोंडे जी क्या बता रही हैं, देखते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका ने फाइनली लास्ट टर्म हमारा अभय योजना का कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट किया है। आप सभी शहरवासियों से मेरी निवेदन है, फर्स्ट ये एक लास्ट कॉल है आप लोगों के लिए, जो आते हुए कई सालों से टैक्स आपके पेंडिंग है, मेहरबानी करके आप 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपने अगर टैक्स भरते हैं तो आपको आपके जो एरियर्स है जो इंटरेस्ट आपके ऊपर लगे हुए हैं उसमें 100% आपको सुविधा मिलेगी, वो माफ़ी हो जाएगी। और 1 फरवरी से 15 फरवरी के अंदर आप अगर भरते हैं तो 50% आपको उसमें इंटरेस्ट में फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, व्हाई डोंट वी कम फर्दर एंड पे द पेमेंट्स ऑफ द टैक्स टू मेक अवर सिटी डेवलप्ड। तमाम सभी के अपील है, मेहरबानी करे जितने भी महानगर पालिका जो CFC एंड टैक्स जो कलेक्टर्स हैं, जल्दी में जल्दी सब नगर सेवकन जो ऑफिस में भी ये कैंप्स लगन दियो, तो मेहरबानी करे तमाम सभी पंजो बिल पेमेंट 31 जनवरी ताईं जल्दी में जल्दी कयो ऐं इन योजना जो तव्हां लाभ वठो। प्लीज़ कम फॉरवर्ड टू हेल्प द सिटी मेक अवेयर फॉर योर फैमिलीज एंड नेबर्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहर में शासन प्रशासन के भले ही खोखले दावे हों कि उल्लासनगर में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन सचमुच अगर विकास कार्य की गति देखनी है तो इन तस्वीरों को आपको देखना होगा, जिसमें उल्लासनगर के खस्ता हाल सड़कों की तस्वीरें सामने दिखाई पड़ती हैं। आइए देखते हैं। शहर में एक और जिस प्रकार से सत्ता पक्ष और शहर के कई नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि शहर को विकास की गति से चलाया जा रहा है और शहर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अगर शहर के विकास की गति और शहर के विकास की बात का अगर अंदाज़ा लगाना है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शहर के खराब रास्तों के चलते, जिसके वजह से आए दिन दुर्घटनाएँ होती है, नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आने जाने वाले लोगों जो कि गाड़ी में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं या फिर 2-व्हीलर में जाते हैं, यहाँ तक कि पैदल चलने वाले नागरिक भी काफ़ी परेशान हैं शहर की खस्ता हालतों को लेकर, रास्तों की हालतों को लेकर। शहर के कई जगहों पर आपने को देखो ये मिलेगा कि कई जगहों पर जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन कई बार उसकी दिक्कतें बताने के बाद भी प्रशासन लापरवाह है, उसके ऊपर जो है काम नहीं कर पाता, यदि काम करता है तो बड़े बड़े ग्रिट उसके ऊपर गड्ढों में डाल दिए जाते हैं और फिर ये होता है कि उसके वजह से और दुर्घटनाएँ होती है। तो बहरहाल इस प्रकार से जो बातें की जा रही है शहर भर में विकास की, तो उसका दर इस तरीके से लगाया जा सकता है कि शहर के रास्ते जो बना नहीं पा रही प्रशासन, तो जो बातें की जा रही है कि शहर को एक विकास की तरफ लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जिस प्रकार से जो आश्वासन कई सालों से मिलते हुए आ रहे हैं वही आश्वासन फिर से नागरिकों को जो है चुनाव आने के समय में देखने को मिल रहा है। शहर के रास्तों की खस्ता हालतों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, तो देखना ये होगा कि प्रशासन वाकई में ही क्या शहर के विकास के लिए कुछ कार्य कर पाएगा या फिर इसी तरीके के आश्वासन नागरिकों को हमेशा की तरह मिलते ही रहेंगे।
कैमरा पर्सन सोनू शिंदे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पत्रकार मुरलीधर शिर्के जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष में उनके जीवन संघर्ष पर एक पुस्तिका का विमोचन होने जा रहा है। 6 जनवरी को होने जा रहे इस विमोचन समारोह के बारे में पत्रकार मुरलीधर शिर्के क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। मला 75 वर्ष पूर्ण झाली तरी या 75वे अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त एक मी माझ्या जीवनावर एक स्मरणिका काढलेली आहे। तर त्या स्मरणिकेचं प्रकाशन आचार्य अत्रे कल्याण या नाट्य गृहामध्ये पहिल्या माळ्यावर कॉन्फरन्स हॉल आहे। या हॉलमध्ये या स्मरणिकेचं प्रकाशन होणार आहे। जागतिक पत्रकार दिनाचं औचित्य साधून पत्रकार व पोलीस संमेलन हा कार्यक्रम तिथे आयोजित केला आहे आणि याच कार्यक्रमात या माझ्या स्मरणिकेचं प्रकाशन उपस्थित पाहुण्यांच्या हस्ते होणार आहे। तरी ज्यांची ज्यांची इच्छा असेल त्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून शोभा आणावी अशी मी नम्र विनंती करत आहे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कोणार्क न्यूज, अपना शहर, अपनी बातें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज प्रोग्राम कोणार्क न्यूज, अपना शहर, अपनी बातें। धन्यवाद।